भोपाल को स्वच्छ रखने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने भविष्य में वेतन और नियमितीकरण को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। भोपाल को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन 4 महीने पहले बढ़ा दिया गया था, लेकिन 4 महीने के बाद ये वेतन फिर से घटा दिया गया, जिसको लेकर वाल्मीकि पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित झा ने कहा कि दिन रात मेहनत कर भोपाल को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कोशिश में लगे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर फिर घटा दिया गया। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में 8 से 10 हज़ार रुपये में जीवन यापन करना मुश्किल है। नगर निगम अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाती है तो हम सड़कों पर उतरेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। अमित झा ने यह भी कहा कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो कर्मचारी कच्चे में काम कर रहे हैं उन्हें भी नियमित कर दिया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद भी आज दिनांक तक इस पर किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि नहीं की गई, नियमितीकरण नहीं किया गया तो आगे उग्र आंदोलन करेंगे। देखिए, ये शोषित पीड़ित वंचित कर्मचारी हैं चतुर्थ श्रेणी के, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत के अंदर, जिनका वेतन पिछले माह बढ़ा के दिया गया था 4,000 के समथिंग, 3,000, 2,000 के समथिंग, अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्थिति में, लेकिन एक कंपनी के स्टे लगाने के कारण उस वेतन को रोक दिया गया है। वापस वही 6,000-8,000 रुपये की वेतन की स्थिति पैदा कर दी है। क्या उनका घर का जीवन यापन हो पाएगा? आज स्कूल में बच्चे की फीस देने में ही लोग उस स्थिति में नहीं आ पाते। अपने परिवार को पालना है, घर का किराया देना है, अन्य प्रकार की अलग और व्यवस्थाएं रहती है जो कर नहीं पाते। माननीय मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, विभागीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वो ऐसा उनके संज्ञान में होने के बाद कैसे होने दे रहा है, और सरकार के साथ साथ सत्ता में बैठे हुए और जो कर्मचारियों के अध्यक्ष हैं उनसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी तक इस विषय में कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया है। जो अधिकारी इस त्रुटि को कर रहे हैं उन पे भी कार्रवाई की जाए, और जिस संस्था के माध्यम से इस पे स्टे लिया गया है उन पे भी कार्रवाई की जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन करने की तैयारी है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।